वडोदरा वासियों का बहुत आभारी हूं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के गढ़ अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचने का नरेंद्र मोदी ने दो रास्ता निकाला है, एक वाराणसी से होकर, दूसरा वडोदरा से होकर। वाराणसी में तो खैर चुनाव आगे होने हैं, इसलिए नामांकन बाद में दाखिल होगा, लेकिन वडोदरा से नरेंद्र मोदी ने आज खूब धूमधाम से नामांकन दाखिल कर दिया। जय घोष के बीच बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का काफिला उस मार्ग पर बढ़ चला जो उन्हें संसद तक पहुंचा सकती है। बीजेपी की उम्मीदें मोदी पर टिकी हैं और मोदी की उम्मीदें वडोदरा संसदीय सीट पर। मैं वडोदरा वासियों का बहुत आभारी हूं। वडोदरा मेरी कर्मभूमि रही है, इसी से 200 कदम दूरी पर ही मैं बहुत वर्षों तक रहता था। वडोदरा में 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होना है, इसके लिए मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में बुधवार को अपना पर्चा भरा। जिला कलेक्ट्रेट में मोदी ने पर्चा दाखिल करते हुए गुजराती में शपथ ली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकसभा 20 वडोदरा लोकसभा मतदार विभाग ने बैठक भरवा माटे उम्मीदवार तरीके नाइक नियुक्त थेल भगवान ना नामे सौगन लो चुके हूँ। कायदा थी स्थापित भारत ना संविधान सत्य सत्यनिष्ठा अने वफादारी राखी अने हूँ भारत ना सार्वभौमत्व अने अखंडता नु समर्थन करीश। बुधवार की सुबह शहर के कीर्ति स्तंभ से मोदी का काफिला निकला, 18-20 गाड़ियों के लाव लश्कर के साथ। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी के रोड शो में लोगों की उनके प्रति दीवानगी हद की इंतहा तक पहुंची दिखी। कीर्ति स्तंभ से कलेक्ट्रेट की दूरी मुश्किल से 2 किलोमीटर होगी, लेकिन जनसैलाब को चीरते हुए इतनी ही दूरी तय करने में मोदी को 1.25 घंटे लग गए। नरेंद्र मोदी का नामांकन है वडोदरा से, लेकिन आज ही विजय की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। हम इस वक्त कलेक्टर ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने आए हैं। राजमाता से लेकर चाय वाले तक उनके नाम को प्रस्तावित करने वाले हैं। बहुत बड़ा संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। मोदी विकास के मन से अपनी जीत की पैरोकारी करते हैं और इसे भावनाओं की डोर से जोड़ते हैं चाय वाले रिश्तों में पिरोकर। मोदी के नामांकन पत्र दाखिल करते समय एक प्रस्तावक चाय वाला भी था, मोदी को भगवान मानने वाला उनके कदमों में झुका हुआ। किरण भाई, आज आप नामांकन के टाइम गए, नाम को प्रस्तावित किया, तो आपको क्या लगा वहाँ पर? नरेंद्र मोदी ने गले लगा लिया था। हाँ, तो बहुत मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। हाँ। एक छोटे कार्यकर्ता इतने बड़े बड़ा प्रधान जब बनने जा रहे हैं और छोटे इंसान को गले लगा तो वो सन कोई और ही है। फिर आपने पाँव भी छू लिए। हाँ, पाँव तो छूना पड़े ने वड़ी ले। एक तरफ एक रंग का साथ तो दूसरी तरफ रानी का हाथ। मोदी की दूसरी प्रस्तावक शुभांगिनी गायकवाड़ बनी, गायकवाड़ घराने की रानी। मुझे आशा है कि उन्होंने तो वो विजन अपने सामने रखा है। हमें कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री चाहिए जो अपने सामने कोई विजन तो रखे। अमीर गरीब को साथ जोड़ने का प्रतीक बनी चाय वाले और रानी की जोड़ी। मोदी ये राजनीतिक पैगाम देने में कामयाब रहे कि राजा रंग फकीर सबके लिए उनकी नजर बराबर है, लेकिन ये पैगाम वोट में कितना बदलेगा ये 30 अप्रैल को दिखेगा और इसका नतीजा 16 मई को मिलेगा। लेकिन बीजेपी का जोश एमपी से कई कदम आगे पीएम पद पर निशाना साध रहा है। कि नरेंद्र भाई पहली बार एमएलए बने और सीएम बने और इस बार पहली बार यहां से ऐतिहासिक मार्जिन से जीतेंगे और सीधे पीएम बनेंगे। मोदी ने पर्चा दाखिल कर दिया, वडोदरा की सड़कों पर उमड़ी भीड़ को अपनी मंशा से भी वाकिफ कराया और मुहर लगाई कि लोग भारी बहुमत से उन्हें संसद तक भेजें। इस पावन पर्व चुनाव को उत्साह और उमंग से मनाएंगे और 30 तारीख को भारी मतदान करके कमल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाएंगे। मोदी आए, एक रोड शो किया,
पर्चा दाखिल किया, पत्रकारों से दो बात कही और फिर निकल पड़े एक और राजनीतिक रैली के लिए। बीजेपी नहीं मोदी भी मानकर चल रहे हैं कि वडोदरा से अगले सांसद वही होंगे। नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों में महारानी भी थी और चाय वाले किरण भाई भी। संघ की उपस्थिति भी काफी कुछ कह रही थी। सड़क पर शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। मोदी के सिपहसालार मानते हैं कि पहली बार वो विधायक बने तो सीधा मुख्यमंत्री बन गए और यहां से पहली बार सांसद बनेंगे तो वो सीधा प्रधानमंत्री पद तक जा पहुंचेंगे। कैमरामैन रवि तोतावार के साथ अमिताभ सिन्हा, वडोदरा आज तक। वडोदरा को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। 1991 से लेकर अब तक बीजेपी ने यहां से सिर्फ एक बार ये सीट गंवाई है। जाहिर है नरेंद्र मोदी के समर्थकों को उम्मीद है कि न सिर्फ वो जीत दर्ज करेंगे बल्कि बड़े फासले से जीत दर्ज करेंगे। और मोदी को उम्मीद है कि कांग्रेस का जो भी वजूद उसके आसपास के इलाके में भी है वो भी अपनी इस जीत के जरिए और इस नामांकन के जरिए यहां से चुनाव लड़ने के जरिए वो खत्म कर दें। वडोदरा से नरेंद्र मोदी ने पर्चा तो दाखिल कर दिया, अब सवाल है कि आगे क्या। मोदी तो बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक हैं, इसलिए पर्चा दाखिल करने के तुरंत बाद ही वडोदरा से निकल गए। लेकिन संघ के प्रचारक, पार्टी के नेता और मोदी के समर्थक जुट गए हैं मोदी की जीत को पक्का करने के लिए। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मेरा ऐसा असेसमेंट है 300 प्लस सीटें ये भाजपा को मिलेंगी, ऐसा सारा चारों तरफ में वातावरण देख रहा हूँ। जिस वडोदरा से मोदी अपनी दिल्ली यात्रा का शुभारंभ करना चाहते हैं उससे मोदी का पुराना नाता है। आरएसएस के इस दफ्तर से मोदी का जुड़ाव 40 साल पुराना है। जब देश में इमरजेंसी लगी तो मोदी की संघ में सक्रियता यहीं से बढ़ी। बाद में भी कई साल तक संघ का ये दफ्तर ही मोदी का आशियाना भी बना रहा और ठिकाना भी। नरेंद्र भाई यहाँ करीब 79-80 से लेकर 83 तक रहे और यहाँ महानगर में घर घर जाना, कार्यकर्ताओं से मिलना, उनके सुख दुख में सहभागी होना, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, नए नए विजन, नया नया विचार देना और जिसमें जो क्षमता है उसको विकसित करते आगे बढ़ाना, ये उनकी कार्यशैली रही। बीते हुए दिनों की ये यादें मोदी के जहन में हैं, लेकिन वो जानते हैं कि सिर्फ संघ से जुड़ाव ही चुनावी बेड़ा पार नहीं लगा सकता। इसलिए मोदी भी वडोदरा से अपने रिश्ते को विकास और गायकवाड़ राजघराने के प्रति अपने लगाव की कसौटी पर परख रहे हैं। मेरी प्राथमिक शिक्षा गायकवाड़ की बनाई हुई प्राथमिक शाला में हुई थी और आज भी गुड गवर्नेंस के लिए, लोक कल्याण के लिए सयाजीराव गायकवाड़ का नाम स्वर्णिम पुष्पों से लिखा गया है। दरअसल मोदी विकास के साथ साथ जातिगत समीकरणों को भी तौल रहे हैं। वडोदरा में मतदाताओं की संख्या करीब 14,75,000 है, जिसमें पिछड़ी जातियों की संख्या करीब 2,58,000, क्षत्रियों की संख्या करीब 2,25,000, मुसलमानों की संख्या करीब 1,47,000 और पटेल वोट करीब 1,45,000 है। मोदी को उम्मीद है कि वोटों के जातीय समीकरण के बीच उनके 12 साल के राज में हुए विकास कार्य वोट में बदल सकते हैं। मोदी आने चाहिए, क्यों? वो तो अच्छे है ना देश, अपने ये बॉर्डर के गुजरात के लिए अच्छे है, सब सुविधा विविधा सब अच्छी की है उन्होंने, तो वो ही आने चाहिए। उन्हें बहुत विकास किया बॉर्डर में, ब्रिज भी सब बनाए, रोड भी अच्छे बनाए सब। मुझे तो लगा ये बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी बड़ौदा से, वो भी ये हमारे बड़ौदा के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं वो बड़ौदा में इतना विश्वास रखते हैं और नो डाउट उनके साथ तो मेजोरिटी होगी। मोदी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से मधुसूदन मिस्त्री ने मोर्चा संभाला है, जिन्होंने मंगलवार को पर्चा दाखिल किया। इससे चुनावी लड़ाई में थोड़ी गर्मी जरूर आ गई है। मिस्त्री को लगता है कि जामा मस्जिद के शाही इमाम का पैगाम उन्हें वोट दिला देगा। कांग्रेस की और मेरी विजय यहाँ से निश्चित है और बड़ौदा की प्रजा कांग्रेस के उम्मीदवार को ही अपना वोट देगी और यहाँ से चुनेगी। इमाम बुखारी ने कहा है कि वो लोग कांग्रेस के साथ है, तो क्या कहीं ना कहीं ये ट्रंप कार्ड साबित होगा? ये आपका नजरिया है, बुखारी साहब ने और दूसरे लोगों ने जो हमको सपोर्ट दिया है उसकी मैं खूब सराहना करता हूँ और इस देश के तमाम लोग जो लोकशाही में मानते हैं, जो इस देश के भाईचारे में मानते हैं, जो एक दूसरे के साथ सम से रहना रहने में मानते हैं,
और जो आने वाले सालों के अंदर हिंदुस्तान को एक ऐसी तरक्की के ऊपर ले जाना चाहते हैं, वैसे सब लोग वो मेरे साथ में हैं, उनकी मैं सराहना करता हूं। अगर पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों को आधार माने तो मोदी के लिए यहां जीत का रास्ता आसान दिखता है। वडोदरा संसदीय सीट के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिसमें से 6 में बीजेपी को जीत मिली और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता। नरेंद्र मोदी ने वडोदरा से अपना नामांकन दाखिल किया। उससे पहले मोदी ने वडोदरा शहर में एक रोड शो भी किया। मोदी ने इस रोड शो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि वो अपनी जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है। अब लड़ाई ठन चुकी है और हस्तिनापुर के लिए मची चुनावी महाभारत का एक अहम युद्ध वडोदरा में लड़ा जा रहा है। बस देखते जाइए और 16 मई का इंतजार कीजिए। गोपी घांगर और श्वेता सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, वडोदरा आज तक। नरेंद्र मोदी ने संसद में पहुंचने के लिए 2 सीटों का चयन किया। कुछ का कहना है कि वो इसीलिए इन दोनों सीटों को चुनकर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वो कम से कम 1 में तो जीत जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर सबको विश्वास है कि मोदी दोनों ही सीटों पर और खूब दबदबे के साथ जीतेंगे। खासकर काशी में किस तरीके से उनके स्वागत के लिए बीजेपी को उम्मीदें जग रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पर्चा वडोदरा से भरा, लेकिन उनकी नजरों में वडोदरा के साथ वाराणसी भी है। वी से वडोदरा, वी से वाराणसी और वी से विक्ट्री की कामना। जब वडोदरा में मोदी समर्थक अपनी ताकत दिखा रहे थे तो वाराणसी में भी मोदी के नाम पर लामबंदी होने लगी थी। वडोदरा से बहुत बेहतर होगा, मौसम होगा, यहाँ का अलग माहौल है। जिसको चुन लिया जाता है, मन से चुन लिया, चाहे आए चाहे नहीं, मोदी आए चाहे ना आए, तो मुकाबला देखिए, मोदी एक तरफा रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वाराणसी पूर्वांचल का दिल है तो हिंदुत्व की कर्म भूमि भी। कमंडल के दौर में वाराणसी हमेशा से बीजेपी के लिए मुफीद रही है। पिछली बार यहां से बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने चुनाव जीता था। जोशी तो इस बार भी वहीं से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मोदी ने अपनी चाहतों का अंगद पाव जमा दिया तो बेचारे जोशी जी को कानपुर जाना पड़ा। अब मोदी का नाम और उनके नाम से बनती बीजेपी की नई पहचान का असर बनारस में दिखने लगा है। हम लोग को जात पात से ऊपर उठ के सोचना चाहिए और देश के बारे में सोचना चाहिए, केवल लोकल स्तर पर सोच के कुछ नहीं होगा। मोदी जी को इससे फायदा ही होगा, मोदी जी को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पूरा बनारस बिल्कुल मोदीमय हो गया है। बीजेपी तो मोदी की जीत को सुलह आने सच मानकर चल रही है, लेकिन विरोधी दलों ने भी अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं। समाजवादी पार्टी ने कैलाश चौरसिया को उतारा है तो बीएसपी ने विजय प्रकाश जायसवाल को। आपकी तरफ से तो खुद अरविंद केजरीवाल ही लड़ाई में कूद गए। सबसे बड़ा सवाल था कि कांग्रेस क्या करेगी, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी से समाजवादी पार्टी और निर्दलीय होते हुए अपनी पार्टी में आए अजय राय को टिकट थमा दिया। बीजेपी में रह चुका है इसीलिए तो उनका सारा नट बोल्ट मुझे मालूम है कि कौन सा नट बोल्ट ढीला कर देना है और कौन सा गेयर बक्सा उनका फेल कर देना है मुझे मालूम है। वो वोट नहीं ले पाएंगे, वो सारी रणनीति उनकी ध्वस्त कर दूंगा। मेरी रणनीति केवल एक है कि जनता की सेवा करना और जनता के बीच में बने रहना। वाराणसी में भी मोदी का कट्टरवादी अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। सवाल ये भी उठ रहा है कि मुस्लिम मतदाता क्या करेंगे। बीजेपी तो ऐसा समा बांध रही है मानो मुस्लिम वोट भी मोदी के नाम पर ही गिरेगा, लेकिन इस सियासी फिजा का सच तो 12 मई को ईवीएम में कैद होगा। इस बीच स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी बनारस में उठने लगा है। बनारस का चुनाव ये बाहरी वर्सेस ये घरेलू का लड़ाई नहीं है, ये विकास के नाम पर ये लड़ाई, ये देश का लड़ाई है। इस बनारस की जनता इस बात को भली भांति जानते हैं। मोदी गुजरात में है, वडोदरा में है, कहाँ कहाँ है, तो बनारस का जो रहेगा उसी को बनाएगा। वो अजय राय यहाँ का पैदाइश है, ये जगह का वो है। वाराणसी संसदीय सीट के लिए 17 से 24 अप्रैल के बीच पर्चा भरा जाना है। खबर आ रही है कि मोदी शायद 17 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करें। वडोदरा के बाद वाराणसी का किला बीजेपी ने मोदी के नाम छोड़ दिया है। अब फतह करने की चुनौती मोदी के सामने है। आमिर हक, वाराणसी आज तक।